हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे। जैसे कि अभी एक ही दिन रह गया है सूर्य ग्रहण पड़ने के लिए और गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा विचलित हैं कि टाइम बहुत कम है और समय से जो है सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसका क्या टाइम होगा, सही टाइम क्या होगा, क्योंकि बहुत से लोग कई अलग अलग टाइम बता रहे हैं। तो इसका आखिर सही टाइम क्या है, किन किन देशों में दिखाई देगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा अच्छे अच्छे बातें सोचना चाहिए और अच्छा ही सोचना चाहिए। जो टाइम है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में टाइम और कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है सब कुछ डिटेल में बताऊँगी, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए ग्रहण के चलते, वो सारी सावधानी भी मैं आपको बताऊँगी कि गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनकी कोई फैमिली फ्रेंड में कोई भी जान पहचान में, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, हो सकता है उनकी भी कुछ हेल्प हो जो अकेले रहते हैं या जो नहीं जानते इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्रहण लगने जा रहा है 2 अक्टूबर को, उसकी सही टाइमिंग क्या है। ठीक है, टाइमिंग की बात कर लें तो साल 2024 का जो है आखिरी चंद सूर्य ग्रहण है जी। ठीक है, चंद्र ग्रहण तो 18 सितंबर को लगा था और ये जो है वो सूर्य ग्रहण है जो कि आखिरी है और बहुत बड़ा माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और 2 अक्टूबर को लगेगा यह ग्रहण रात को। ठीक है, रात को 9:13 पर शुरू होगा और 3 अक्टूबर को सुबह 3:17 पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टाइमिंग की बात कर लें तो टाइमिंग ये रहने वाली है और इसको गर्भवती महिलाएं जो हैं, गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ भी छीलना या काटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि सूर्य के संपर्क में नहीं आना चाहिए, इससे बचना चाहिए आपको। साथ ही साथ देवी देवताओं की मूर्तियों को भी स्पर्श नहीं करना है, मंदिर के कपाट बंद कर देना है, पूजा नहीं करनी चाहिए और किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा अच्छा अच्छा सोचना है अपने बच्चे के बारे में और तनाव मुक्त रहना है आपको, टेंशन फ्री, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। घर में आपको आराम करना है, मन को शांत रखना है, म्यूजिक सुन सकते हैं आप, टीवी देख सकते हैं, इससे तनाव भी आपका कम होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रहण के दौरान ये सारी चीज़ें करनी है। और देखिए, सबसे मेन चीज़ है, हालाँकि भारत में ये इस समय रात होने वाली है, तो इसलिए ये ग्रहण जो है, जब ग्रहण का टाइमिंग जो मैंने बताई उस टाइम पे भारत में रात होगी, तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, ऐसे में इसका सूतक काल भी माने नहीं होगा। लेकिन जिन जिन कंट्री में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो उस कंट्री में क्या है कि ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है गर्भवती महिलाओं को, और वहाँ पे ग्रहण पड़ेगा, वहाँ पे इसका सूतक काल भी माने होगा। ठीक है, तो वो गर्भवती महिला ध्यान से ये वीडियो को देख लें। 12 घंटे पहले सूतक काल स्टार्ट हो जाता है, तो गर्भवती महिलाएं जो हैं, किन किन शहरों में ग्रहण पड़ रहा है, वो गर्भवती महिलाएं अगर ये वीडियो देख रही हैं तो वो सावधानी ज़रूर बरतें। बाकी जो भारत में जो रहती हैं महिलाएं, जो भारत की हैं, वो देख रहे हैं वीडियो, तो वो भी, उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि उनको भी छोटी मोटी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य भी एक है, चंद्रमा भी एक है, तो थोड़ा बहुत उसका असर देखने को मिलता है। तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे का उसका बच्चा जो है अस्वस्थ पैदा हो या उसको कोई भी तकलीफ हो जन्म से। ठीक है, तो आप ये छोटी मोटी सावधानी ज़रूर बरतिए, जैसे कि चॉपिंग कटिंग वगैरह काम ये मत करिए जो मैंने आपको बताया था शुरू में, वो काम आपको नहीं करना है। बाकी देखिए, जिन शहरों में पड़ रहा है वो गर्भवती महिला पहले से ये काम कर लें, जैसे कि आपको ग्रहण पड़ने से एक दिन पहले, जैसे कि कल 1 तारीख है, तो कल ही आपको ये सारा काम कर लेना है। आपको क्या करना है, एक नारियल मंगा के रख लेना है, आपको गेरू मंगा के रख लेना है। ठीक है, गेरू जो है उसको पाउडर की तरह होगा, लाल रंग का, उसको पानी में घोल के आपको जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा उसी दिन आपको लगाना है, अपने पेट पर लेप लगा लेना है उसका पूरा, और नारियल अपने पास रखना है। ठीक है, इसके अलावा
अलावा देखिए आपको क्या करना है, जो टसर बोलते हैं काला धागा, उससे नज़र नहीं लगती है, तो वो अपनी लंबाई का नाप के किसी से कटवा लेना, अपने रूम में रखना है, उससे आपके बच्चे को आपको नज़र नहीं लगेगी और जो सूर्य ग्रहण है उसकी दूषित किरणें आपके बच्चे तक नहीं जाएंगी, नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आपके बच्चे तक पहुँचेंगी, जो भी चीज़ें हैं ना वो उस धागे में और वो नारियल में पहुँचेंगी, और वो जो आपका सुरक्षा कवच है गेरू का लेप जो अपने पेट पे लगाएंगे वो आपका सुरक्षा कवच होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले ही करके लेके रखने नहीं मार्केट से, क्योंकि फिर उसी दिन आपको हैंड टू हैंड नहीं मंगाना है, पहले से एक दिन पहले लेके रख लेना है, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, जब ग्रहण पड़े तो आप ये सारे कार्य कर सकें। इसके अलावा देखिए किन किन शहरों में पड़ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ, जिससे कि आप ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर को जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है वो भारत में तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि उस समय रात होगी और भारत में रात होगी, उसकी वजह से सूर्य जो है रात में नहीं दिखता है, तो यहाँ पे देखना, भारत में देखना संभव नहीं है सूर्य ग्रहण। लेकिन अमेरिका के हवाई शहर में, जैसे चिली के कुछ शहरों में और जिन दक्षिण अमेरिका में, आंशिक रूप से यहाँ पे दिखाई देगा। प्रशांत महासागर, साउथ वेस्ट अंटार्कटिक महासागर के आसपास रिंग ऑफ फायर रूप में नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन भारत में भारतीय समय के अनुसार यहाँ पे नज़र नहीं आने वाला, यहाँ पे देखा नहीं जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा बहुत असर जो है वो देखने को मिलेगा, जिससे कि गर्भवती महिलाओं को ये बात को ध्यान रखना है कि छोटी मोटी सावधानी आपको ज़रूर बरतनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब ग्रहण ख़त्म होता है, तो ग्रहण से पहले जब ग्रहण शुरू होगा ना, जैसे सूतक काल स्टार्ट हो जाता है 12 घंटे पहले, तभी आपको तुलसी के पत्ते सूतक काल स्टार्ट होने से पहले ही तोड़ के रख लेना है, और आपके जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं ना उसमें आपको तुलसी का पत्ता एक एक डाल देना, जैसे कि दूध दही पानी खाना पीना जो भी है उन सब में डाल देना है। बहुत से कॉमेंट ये भी आ रहे थे कि हमारी फैमिली को सबको क्या ग्रहण का सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो देखिए ये ग्रहण की सावधानी सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए, बाकी जो फैमिली मेंबर हैं उनको सिर्फ नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, इससे आंखों पे इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। चश्मा वगैरह लगा के आप ग्रहण को देख सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिला भूलकर भी ग्रहण को ना देखें। इसके अलावा देखिए जब ग्रहण पड़ता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उस टाइम पर सोना नहीं है, आंखें नहीं बंद करना है, इससे बच्चे पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। खिड़की दरवाजे आपको बंद कर देना, खाना पीना टाइम से बना के रख लेना है, पहले ही खा लेना है, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, और रात के टाइम पे बाहर को आपको बाहर ग्रहण के टाइम पे नहीं घूमना है। साथ ही साथ देखिए आपको दवा वगैरह लेने भी, कहीं आप सोचो हॉस्पिटल वगैरह चले हैं तो उस टाइम पर मत जाइएगा, किसी और दिन जा सकते हैं, इतना काम आपको करना है। इसके अलावा देखिए जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो आपको क्या करना है, पूरे घर में शुद्धिकरण करना है, साफ सफाई करना है, मंदिर की सफाई करना है, और गंगा जल से शुद्धिकरण कर दीजिए। दान कर सकते हैं आपकी जो भी श्रद्धा हो, जैसे अनाज का दान, पैसों का दान, जो भी आपकी जैसी भी श्रद्धा हो उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।